इस पृथ्वी पर प्रकृति ने अपने हिसाब से सुंदरता को अलग अलग तरीकों से बिखेरा हुआ है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आपको एकदम से डरा सकती हैं। ना जाने किन किन चीज़ों की उत्पत्ति होती रहती है और हम मानव उसका खोज कर उसके बारे में जानकारी जुटाते रहते हैं। ऐसे ही आज हम बात करेंगे 10 ऐसे दुर्लभ प्रजाति के मशरूम के बारे में जिसकी सुंदरता आपको भयानक ही नहीं बल्कि बहुत भयानक लग सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, हाइडनेलम पेकी। यह मशरूम बैंकेरसी के जीनस हाइडनेलम परिवार का सदस्य है। आम बोलचाल में इसे खूनी दांत या शैतान का दांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार हूबहू दांतों के जैसा होता है। यह उत्तरी अमेरिका व यूरोप में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और हाल ही में इसे ईरान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में भी खोजा गया था। इस मशरूम पर छोटे छोटे कांटे भी होते हैं और कड़वा स्वाद होने के कारण ये मानव जाति के खाने के उपयोग में नहीं लाया जाता है। नंबर 9, निडुल रियस। इस मशरूम को देखकर आपको जरूर किसी चीज की याद आ गई होगी, शायद चिड़िया रानी के घोंसले की। तो सही याद आया है आपको, क्योंकि इसे आम बोलचाल की भाषा में चिड़िया के घोंसले वाले मशरूम के रूप में जाना जाता है। इस मशरूम की खास बात यह है कि यह दुनिया भर में पाए जाते हैं और यह अक्सर लकड़ी के सड़ने पर उनके छाल पर बनते रहते हैं, लेकिन यह भी सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है। इसका स्वाद फीका होने के कारण इसे भी खाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। नंबर 8, क्लेथरस रबर। इस मशरूम को आमतौर पर लाल पिंजरे के रूप में जाना जाता है। यह गोल या अंडाकार के आकार की तरह होता है। यह अक्सर बगीचे की मिट्टी, घास के स्थानों या लकड़ी के बगीचों के पत्तों में एक समूह के रूप में पाए जाते हैं। यह मशरूम अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर पाया जाता है। वहीं इसकी बदबू ज्यादातर लोगों को खाने से मना करती है, मगर जहां इसे खाया जाता है वहां बाजारों में इसे शैतान के अंडे के रूप में बेचा जाता है। नंबर 7, कार्निवरस प्लांट, जिसे हिंदी में मांसाहारी पौधा के नाम से भी जाना जाता है। यह मशरूम कुकीना ट्राइकुलोमा कप फंगी फैमिली से संबंधित है। इसकी खास बात यह है कि यह नुकसानदायक नहीं है, जैसा कि इसके नाम से ही आप इसे मांसाहारी समझ लेंगे, मगर जरा रुकिए, यह इसके बिल्कुल विपरीत है। यह ना तो मांसाहारी है और ना ही यह कोई पौधा है। मैक्सिको में इसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है, वहीं दूसरी ओर कैमरून में इसे कान की दर्द की दवा में इसे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, हेरिकियम एरिनेस। इस मशरूम को आम बोलचाल की भाषा में लोग शेर के बाल वाला मशरूम कहते हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये दिखता बिल्कुल वैसा ही है। इसकी खास बात यह है कि यह मशरूम एशिया में खाया जाता है, वहीं चीनी लोग इसका प्रयोग दवा बनाने में भी करते हैं, और यह मशरूम लोगों के लिए आकर्षण का कारण इसलिए बनता है क्योंकि इसको दुर्लभ मशरूम की प्रजातियों में गिना जाता है। नंबर 5, गोम्फस क्लैवाटस, जिसे आमतौर पर सुअर का कान भी कहते हैं, और लोग इसे कहे भी क्यों ना, क्योंकि ये देखने में भी वैसा ही लगता है। यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों का यह एक खाद्य प्रजाति है। इसका स्वाद भी लोगों को खूब पसंद आता है। शाकाहारी लोग भी इसे बिना किसी चिंता के आराम से खा सकते हैं, मगर बाकी मशरूमों में यह बहुत भाग्यशाली रहा, क्योंकि जर्मनी में सन 1998 में इसे मशरूम ऑफ द ईयर चुना गया था। नंबर 4, जिलेरिया पॉलीमोर्फा। इसे आमतौर पर मरे हुए आदमी के उंगली के रूप में जाना जाता है। यह ज़्यादातर जंगलों व लकड़ी की भूमि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बाहर से इसका रंग बिल्कुल गहरा काला या फिर काली रंगत वाला भूरा हो सकता है, लेकिन अंदर से यह सफ़ेद और रेशेदार होता है, और अगर गलती से भी रात को इसको कोई अनजान आदमी देख ले तो शायद डर के मारे उसके पसीने छूट सकते हैं। नंबर 3, क्लैथरस आर्चरी। इस मशरूम को लोग ऑक्टोपस या फिर शैतान की उंगलियों के नाम से जानते हैं। बाकी मशरूमों की तरह यह भी कोई पेड़ नहीं है। दरअसल विज्ञान मशरूमों को एक अलग ही श्रेणी में रखता है। इस मशरूम की सबसे बुरी बात यह है कि इससे सड़े हुए मांस की तरह बदबू आती है, और सिर्फ आती ही नहीं बल्कि यह दिखता भी वैसा ही है। यह ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला मशरूम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलय द्वीप समूहों पर पाया जाता है।
नंबर टू, फेलस इंड्यूसिएटस। इसके आकार को देखते हुए आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे पर्दे वाली महिला कहते हैं। इस मशरूम को भी बदबूदार मशरूमों की श्रेणी में गिना जाता है। चीनी लोग अपने खाने में इसका इस्तेमाल बखूबी करते हैं। यही नहीं, चीन में तो इसकी शौक से खेती भी की जाती है। यह मशरूम इतना ज्यादा लोकप्रिय इसलिए हो गया क्योंकि इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भी पाया जाता है। नंबर वन, जियोमित्रा एस्कुलेंटा। इस मशरूम को देखने के बाद आपके दिमाग में एक फिगर बन रहा होगा कि ये तो हमारी मस्तिष्क की तरह दिख रहा है। तो सही समझे आप, इसे आमतौर पर लोग मस्तिष्क या फिर आंत वाले मशरूम के नाम से जानते हैं। इस मशरूम के अलग अलग आकार होते हैं। इसका रंग कभी कभी मांस के जैसा या फिर कभी कभी रेड वाइन के जैसा भी दिखता है। इस मशरूम में जहरीला यौगिक MMH मोनोमेथिल हाइड्रोलाइज होता है जो इसे विषैला भी बना देता है। अगर इस जहरीले यौगिक के साथ इसे खा लिया जाए तो शरीर की ज्यादातर तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं और गंभीर स्थिति में 5 से 7 दिनों बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है या तो कोमा में चला जाता है। इसलिए इसे खाने से पहले इसके जहरीले पदार्थ को अलग किया जाता है। तो दोस्तों, इन सब मशरूमों के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।